हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन को क्लिक करना न भूलें। श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास की गवाही देते हैं। पूरे देश में रामलीला का दौर शुरू हो चुका है। मान्यता है कि नवरात्रि की 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। इसके ठीक 20 दिन बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तब दिवाली मनाई गई थी। बता दें कि एक रिसर्च में श्रीलंका में 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया गया है जिनका संबंध रामायण से है। इसी में निकल कर आया है कि रावण का शव एक गुफा में रखा गया था, जो श्रीलंका रेगला के जंगलों के बीच मौजूद है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहाँ के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर ये खोज की थी। इस बात को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब राम के हाथों रावण का वध हुआ था, और यह भी जानते हैं कि रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंपा गया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी था या नहीं, इस बात को शायद कोई नहीं जानता है। दावा है कि यहाँ रावण की गुफा है जहाँ उसने तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रागला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अशोक वाटिका वो जगह है जहां रावण ने माता सीता को रखा था। आज इस जगह को सेता एलिया के नाम से जाना जाता है, जो कि नूवरा नामक जगह के पास स्थित है। यहां आज सीता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी है। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं।